सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को होगी सुनवाई। करीना की फिल्म में लिया गया चोली के पीछे गाना, इला अरुणा बोली 5 मिनट पहले मुझे खबर दी गई। कांग्रेस शिवसेना के उम्मीदवार उतारने से पवार नाराज, बोले गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे सहयोगी दल। महाराष्ट्र टिकट को लेकर बड़ी टेंशन, महाविकास अघाड़ी की उतरी गाड़ी। क्या एमवीए में पड़ गई है फूट, कांग्रेस शिवसेना में 3 सीटों पर बड़ी तनातनी, मैं खिचड़ी चोर के लिए प्रचार नहीं करूंगा, संजय निरुपम ने अमोल कीर्तिकर पर कसा तंज। मुझे पहले नामांकन दाखिल करने के लिए कहा, डबल नॉमिनेशन पर बोले एसटी हसन। छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं, गड़बड़ है, सीएम मोहन यादव ने कमलनाथ को लिया आड़े हाथ। किसने दिए थे भारत माता की जय और जय हिंद के नारे, केरल सीएम के बयान के बाद विवाद। मेरा शरीर जेल में पर आत्मा जनता के बीच, अरविंद केजरीवाल ने जेल से फिर भेजा संदेश। बीजेपी 400 पार तो संविधान से करेगी छेड़छाड़, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे, बीजेपी पर एसपी उम्मीदवार इकरा हसन का बड़ा हमला। ब्रेन सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सदगुरु, जारी हुआ हेल्थ अपडेट। इस नेता ने किए अजब गजब वादे, सब कुछ फ्री मिलेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसे भी देगा। दिल्ली में जनहित दल नाम की एक पार्टी लोकसभा और दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, इस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी का कहना है कि वह महंगाई बढ़ाए बिना दिल्ली में 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, डिटेल्स आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। केजरीवाल मामले में अमेरिका ने की टिप्पणी, भारत ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान के खिलाफ कांग्रेस ने ईसीआई से की शिकायत, कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कंगना और ममता पर विवादित बोल, सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को ईसी का नोटिस। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, 65 सीटों पर मुस्लिम वोटरों के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। आसान नहीं अतुल गर्ग के लिए वीके सिंह की विरासत संभालना, जिला गाजियाबाद की सियासी कहानी। नेपाल के मेयर की बेटी गोवा से लापता, 2 दिन बाद फ्रेंड के साथ मिली होटल में। इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ा लो, सर्जरी करवा लो, सॉलिड एक्टिंग के बावजूद एक्ट्रेस को नहीं मिला काम। अनुराग ठाकुर ने जम्मू में निकाली रैली, 400 पार वाले वादे के साथ विपक्ष पर बरसे अनुराग ठाकुर। ईडी ने गैंगस्टर संजू कोठारी और अन्य की 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की 31 संपत्तियां कुर्क की। पत्नी सुनीता लड़ेगी अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, गिरफ्तारी को लेकर कही बड़ी बातें, बोली 28 मार्च को होगा बड़ा खुलासा। 4495 रुपए तक जा सकता है मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर, विदेशी ब्रोकरेज ने दिया बड़ा टारगेट। 2 महीने में 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को जारी करे राशन कार्ड, सुप्रीम कोर्ट का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। पंकज कपूर का बेटा होने के बावजूद खुद को आउटसाइडर मानते हैं शाहिद कपूर, उन्होंने खुद बताई वजह। पॉक से एक सेब तो लाकर दिखाए अमित शाह, गृह मंत्री पर अधीर रंजन का हमला। अभी होली हो रही है, मतदान के बाद दिवाली होगी, उत्तराखंड सीएम ने भरी हुंकार, बोले सभी 5 सीटें जीतेगी बीजेपी। धार्मिक स्थलों पर रंग फेंकने पर कार्यवाही, अलग अलग स्थानों में 9 मामले दर्ज। कपिल शर्मा के साथ फिर काम करने पर खुश है सुनील ग्रोवर, 2017 में कपिल शर्मा के साथ फ्लाइट में हुई लड़ाई को बताया पब्लिसिटी स्टंट। विदेश मंत्री जयशंकर के दाव से तिलमिलाया चीन, भारत को भी दिया संदेश। केजरीवाल की हिरासत पर आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों तरफ से हुई जमकर नारेबाजी। पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट, आरजेडी के ऐलान से पप्पू यादव हुए खफा। विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग है आईपीएल, 400% बढ़ी है ब्रांड वैल्यू।
राष्ट्रपति शासन लगेगा या सीएम पद से हटेंगे केजरीवाल, दिल्ली एलजी सक्सेना के बयान पर शुरू हुई नई बहस। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिस 4 की तैयारी शुरू हो चुकी है, फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी फिल्म होगी क्रिस 4। गोवा के चार नेताओं को ईडी का सम्मन, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अब यूएस की प्रक्रिया, कहा निष्पक्ष और पारदर्शी हो न्याय। कंगना रनौत को बीजेपी ने दिया टिकट, लोकसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट, कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से मिला है टिकट। अमेरिका में बाल्टीमोर के सबसे लंबे पुल से टकराया मालवाहक जहाज, हादसे की तस्वीरें आई सामने, कई वाहन पानी में गिरे। अरुण गोविल रामायण के राम अब मेरठ से लड़ेंगे चुनाव, अरुण गोविल अब राजनीति में अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा न देने पर अड़े अरविंद केजरीवाल गिरते जा रहे हैं, वो जेल के अंदर से आदेश भी पारित कर रहे हैं, पर उनकी इस कार्यशैली से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गांधी या गोडसे में से किसी एक को नहीं चुन सकता, जस्टिस गांगुली के बयान पर विवाद। हिमाचल में कांग्रेस के सभी 6 बागियों को टिकट, बीजेपी ने 4 राज्यों के उपचुनाव के लिए घोषित किए उम्मीदवार। रोजे से हूँ, 900 किलोमीटर चलकर आया हूँ, लेकिन शीशे से भी देखने नहीं दिया, अस्पताल में भर्ती मुख्तियार से मिलने आए बेटे उमर अंसारी का बयान। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 6 लिस्ट, मणिपुर से 3 सांसदों का टिकट कटा। भारत लगातार अपनी बढ़ती आबादी से जूझ रहा है, लेकिन एक डराने वाली खबर भी सामने आ रही है, 2050 तक भारत में कुल प्रजनन दर मात्र 1.29 रह जाएगी, अभी यह 1.91 है, 1950 में यह 6.18 था, यानी उस समय प्रति महिला 6.18 बच्चे थे। पंजाब के संगरूर में 8 लाख के कर्ज से परेशान एक 25 साल के युवा किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, परिवार में उसका एक 2.5 साल का बच्चा और अपाहिज पत्नी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है, अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल अधिनियम को वापस लेने पर विचार करेगी। बीजेपी नेता को नहीं मिला लोकसभा टिकट, समर्थकों ने की आत्महत्या की कोशिश। गाजियाबाद से डॉली शर्मा, गुना से यादवेंद्र सिंह को टिकट, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। कोलकाता एयरपोर्ट पर आपस में भिड़े इंडिगो और एयर इंडिया के विमान, पायलट पर लिया जाएगा एक्शन। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।